तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीएस कोड में अपना प्रोजेक्ट खोल लिया है जो कि मैंने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में आ चुके हैं अपने, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट टैब में मॉडल्स डॉट पीवाई फाइल खोली है यहाँ पर। अब जो कि मैंने आपको रिलेशनशिप सारी डिटेल में बताई थी, अभी एक्सप्लेन करी थी पेपर पर, अब हम उसको कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे और हम अपने डाटाबेस में मॉडल्स को क्रिएट करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल में अगर आएंगे हम अपने प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे मैंने डाटाबेस चूज किया हुआ है SQLite 3। तो जैंगो डिफॉल्टली SQLite डाटाबेस यूज करता है, और यहाँ पे आप दूसरे डाटाबेस भी यूज कर सकते हो जैसे कि MySQL हो गया, पोस्टग्रेस हो गया। तो जैंगो हमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मॉडल्स डॉट पीवाई की। इसमें हम जो भी मॉडल क्रिएट करेंगे ना वो कॉमन रहेगा हर डाटाबेस के बीच में। जैसे कि सपोज करो आप डेवलपमेंट कर रहे हो SQLite डाटाबेस के ऊपर, पर आपको बाद में माइग्रेट करना है दूसरे डाटाबेस पर जैसे कि MySQL हो गया या फिर पोस्टग्रेस हो गया, तो फिर आप इजिली माइग्रेट कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, अगर आप SQL डाटाबेस में टेबल क्रिएट करते हो तो उसमें टेबल क्रिएट करने के लिए अलग कमांड होगा, और पोस्टग्रेस में टेबल क्रिएट करने के लिए अलग कमांड होगा, तो वहां पे बहुत दिक्कत आ जाएगी माइग्रेशन में। पर जेंगो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है या फिर आपको कोई भी क्वेरी परफॉर्म करनी है उसके ऊपर, तो उसका एक सिंटेक्स कॉमन सिंटेक्स है। आप कोई भी क्वेरी लिखोगे जेंगो के फॉर्म में, पाइथन में आप लिखोगे यहाँ पर, जेंगो ऑटोमेटिकली जेंगो का जो ORM सिस्टम है यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, वो ऑटोमेटिकली उस क्वेरी को रिस्पेक्टिवली उस डाटाबेस की क्वेरी में कन्वर्ट करेगा, और वहां पे उस डाटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट करके कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह करेगा जैसे कि क्रिएट टेबल करनी है या फिर उसमें से कोई डाटा निकालना है, वो जेंगो ऑटोमेटिकली करता है। तो यहाँ पे ऐप के मॉडल्स डॉट पीवाई फाइल में हम आएंगे और यहाँ पे हम कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे। उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्लासेस बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे, और उसमें हम रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जेंगो का एक यूजर मॉडल होता है जो कि डिफॉल्टली वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपको अपनी वेब ऐप में फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ऑथेंटिकेशन की, लॉग इन लॉग आउट रजिस्ट्रेशन, तो आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, जो जेंगो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है यूजर मॉडल। अब इस यूजर मॉडल जो है डिफॉल्ट जेंगो का यूजर मॉडल होता है, उसके अंदर फील्ड्स होती हैं जैसे कि यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, पर उसे आप फुल्ली कस्टमाइज भी कर सकते हो। हालांकि मैं इस यूजर मॉडल पे, जो जेंगो का डिफॉल्ट यूजर मॉडल है और जेंगो का जो डिफॉल्ट एडमिन पैनल है यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, जो कि आपको वेब एप्लीकेशन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और आपकी स्पीड वेब एप्लीकेशन बनाने में एनहेंस करता है, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि इसके बाद आएगी वीडियो। वो एक डेडिकेटेड वीडियो होगी आपका यूजर मॉडल के ऊपर और साथ ही साथ एडमिन पैनल के। और आने वाली वीडियोस में आप ये भी देखोगे कि मैं आपको दिखाऊंगा जेंगो का जो डिफॉल्ट यूजर मॉडल है उसको कस्टमाइज करने का। जैसे कि जेंगो का यूजर मॉडल आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आपको यूजर नेम की जगह ईमेल यूज करना है या फिर आपको फोन नंबर यूज करना है, तो वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगा आने वाली वीडियोज में। और साथ ही साथ मैं आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर्स भी हैंडल करने सिखाऊंगा यानी कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट बनाने, जैसे कि आपका स्टूडेंट अकाउंट हो गया, टीचर अकाउंट हो गया, या फिर यूजर जो है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में आने वाली वीडियोस में। खैर इस वीडियो में हम फोकस करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मॉडल्स क्रिएट करके रखे हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे कोड लिख के टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कोड जो है नेट पर ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मेन क्या बात है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे और वो क्यों यूज कर रहे हैं हम और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए रेदर देन कोडिंग। क्योंकि कोड तो आपको हर जगह मिल रहे हैं आजकल यार, नेट पे भरे पड़े हैं कोड, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसको, जो भी सर्च करोगे एकदम कोड मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट बनाया है, कार्ट टेबल बनाई है, प्रोडक्ट इन कार्ट टेबल बनाई है, ऑर्डर टेबल बनाई है। अब प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमने प्रोडक्ट आईडी बनाई है जो कि एक प्राइमरी की है। हालांकि जो जेंगो में अगर आप यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की मेंशन नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक आईडी नाम की फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट करता है हर एक रिकॉर्ड के अंदर, जो कि यूनिक होती है हर रिकॉर्ड में। फिर मैंने प्रोडक्ट नेम बनाया है जो कि मॉडल्स डॉट कैर फील्ड है, और ये मैक्स लेंथ है इसकी 255, जो कि कैर फील्ड होती है जेंगो की, उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है मैक्स लेंथ यानी कि उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने होल्ड कर सकता है वो। और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो ऑटो फील्ड है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है, जैसे ही कोई भी रिकॉर्ड उसमें डालेगा टेबल के अंदर, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे कि आपने एक रिकॉर्ड बनाया तो उसकी एस नंबर होगा 1, फिर जैसे ही आप नया रिकॉर्ड बनाओगे तो उसका नंबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2, तो वो ऑटो फील्ड उसका काम करती है। फिर प्राइस बनाया मैंने मॉडल डॉट फ्लोट फील्ड, यानी कि प्राइस जो है फ्लोट फील्ड में भी हो सकता है जैसे कि 2.3, 2.4, 40.47 एंड एनीथिंग एल्स। और यहाँ पे डिफाइन एसटीआर का मतलब है ये फंक्शन जो होता है ये काम करता है, जैसे कि आपको ग्राफिक यूजर इंटरफेस में दिखाऊंगा है ना, उसमें किस नाम से आपका ये रिकॉर्ड शो होगा। तो मैंने यहाँ पे चूज किया प्रोडक्ट नेम, हालांकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये क्यों यूज किया है मैंने और उसका काम क्या होता है, मैं अभी लाइव दिखाऊंगा आपको। फिर हम आते हैं कार्ट टेबल में। कार्ट टेबल में मैंने मॉडल डॉट मॉडल, जो मॉडल डॉट मॉडल होती है एक क्लास होती है ऑलरेडी बनाई हुई होती है जेंगो में, जो कि हम इनहेरिट करते हैं अपने मॉडल्स के ऊपर। जैसे ही हम इनहेरिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मॉडल्स का एक मैनेजर क्रिएट हो जाता है, मैनेजर जो कि हैंडल करता है सारे ऑपरेशंस, जैसे कि
अगर आपको इस मॉडल में नए रिकॉर्ड्स डालने हैं, या फिर आपको डाटाबेस में जाकर ये जो टेबल स्टोर्ड है वहां से कुछ रिकॉर्ड जो है वहां से निकालने हैं, तो वो सब मॉडल मैनेजर डिसाइड करता है। और वो मॉडल मैनेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब आप मॉडल्स डॉट मॉडल को इनहेरिट करते हो अपने इस क्लास के अंदर, जो कि आप बनाते हो मॉडल्स डॉट पीवाई फाइल में। तो हालांकि आप अपना डिफॉल्ट में, हालांकि आप एक कस्टमाइज मैनेजर ही बना सकते हो, वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा पक्का। अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कार्ड आईडी बनाई प्राइमरी की, ट्रू किया, और यहाँ पे यूजर क्रिएट किया मॉडल डॉट फॉरन की, जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया था कि क्यों फॉरन की बनाई है और उसमें बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसको कैसे हैंडल करते हैं वो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे मैंने फॉरन की बनाई है, यूजर मॉडल को मैंने इम्पोर्ट किया है यहाँ पर जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट और डॉट मॉडल से। और ये जो फील्ड है क्रिएटेड ऑन, ये मैंने मॉडल डॉट डे टाइम फील्ड बनाई है, मतलब यहाँ पर आप डे टाइम फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो एंट्री, मतलब जैसे कि कार्ड क्रिएट होगी तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फिर आते हैं प्रोडक्ट इन कार्ड में। प्रोडक्ट इन कार्ड जो है उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लास मेटा बनाई है, और यहाँ पे मैंने कंपोजिट की बनाई है, कंपोजिट की जो कि यूनिक होनी चाहिए, और मैंने चूज किया है कार्ट और प्रोडक्ट। और कार्ट क्या है, मॉडल डॉट फॉरन की है और प्रोडक्ट भी फॉरन की है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कार्ट लिखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, यानी कि कार्ट जो हमारा यहाँ पर है, मॉडल जो क्रिएट किया है हमने, और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हमने मॉडल क्रिएट किया है उसको मैंने फॉरन की बनाया है। और यहाँ पे ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल डॉट कास्केट का मतलब है, जैसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है और वो हमने यहाँ पर वाला इंस्टेंस हमने यहाँ पर उसको फॉरन की बनाया हुआ है, जैसे ही हम उस इंस्टेंस को डिलीट करेंगे प्रोडक्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा इंस्टेंस यहाँ पे प्रोडक्ट इन कार्ड में हमने बनाया है ना, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं लगता ना। हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं हटाऊं मॉडल डॉट सेट डिफॉल्ट कर सकते हो, यहाँ पे सेट नल कर सकते हो, मतलब जैसे ही आप डिलीट करोगे उसको तो वो ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा या फिर डिफॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर मैं खैर कैस्केड कर देता हूँ, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो नेट पे जाकर, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे मैं आया हूँ क्वांटिटी पर, जो कि होगी मॉडल डॉट पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, मतलब यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी जो होती है वो नेगेटिव वैल्यू तो लेगा नहीं ना, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव इंटीजर फील्ड यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे मैंने फिर क्लास ऑर्डर बनाई है, जिसके अंदर स्टेटस चॉइसेस हैं नॉट पैक्ड रेडी फॉर शिपमेंट शिप डिलीवर्ड, और यहाँ पे यूजर को मैंने फिर से फॉरन की बनाई है यहाँ पर, और फिर ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल डॉट कास्केट किया है। आपको खैर समझ आ गया होगा ऑन डिलीट मॉडल डॉट कास्केट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, कि जैसे ही आप यूजर को डिलीट करोगे, उस यूजर को डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो जो उसने ऑर्डर परचेज किए हुए थे ना अपने डाटाबेस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। मतलब जैसे यूजर का मॉडल जो हमने, जैसे यूजर का जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ था, जैसे कि मैंने मेरा प्रियांशु नाम से एक इंस्टेंस बना हुआ है टेबल में, यूजर टेबल में मेरा एक रिकॉर्ड बना हुआ है प्रियांशु नाम से, और वो मैंने यहाँ पर फॉरन की में यूज किया हुआ था, उसको मैंने डाटाबेस में स्टोर किया हुआ था ऑर्डर जिसमें प्रियांशु नाम से स्टोर था। तो जैसे ही मैं प्रियांशु नाम का रिकॉर्ड जो है यूजर टेबल में डिलीट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर टेबल में भी जो वो ऑर्डर था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट फील्ड है वो है स्टेटस, जिसमें मैंने चूज किया मॉडल्स और इंटीजर फील्ड, और उसमें चॉइसेस जो है वो मैंने जो ये हमने बनाई थी ना स्टेटस चॉइसेस, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है स्टेटस चॉइसेस, और डिफॉल्ट इक्वल टू वन रख दिया, मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, जैसे कि आपने रिकॉर्ड बनाया और उसमें आपने कोई मेंशन नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट वन चूज कर लेगा, मतलब नॉट पैक्ड स्टेट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये थे मॉडल जो कि मैंने क्रिएट किए हैं आपके लिए यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ पे कंट्रोल सेव करते हैं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अभी हमारी कोई भी एंट्री डाटाबेस में नहीं हुई है, ठीक है, कोई भी हमारा हमने रिकॉर्ड नहीं बनाया है, कोई भी हमने टेबल क्रिएट नहीं करी है, तो उसके लिए कमांड होता है यहाँ पर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। जैसे ही आप ये दबाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे मॉडल, जैसे कार्ड प्रोडक्ट ऑर्डर प्रोडक्ट इन कार्ड, जो जो हमने टेबल्स बनाई थी ना मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में, वो ऑटोमेटिकली मॉडल्स क्रिएट हो जाएंगे। और वो कहाँ पे होंगे वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये माइग्रेशन वाला फोल्डर है ना आपके ऐप के अंदर, हर ऐप के जो मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में आप क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली उस ऐप के अंदर माइग्रेशन आपका फोल्डर बन जाएगा, और उसके अंदर फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियल डॉट पी वाई, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट हो चुके हैं सारे के सारे हमारे, और यहाँ पे जो जो हमने उसमें कंडीशंस लगाई थी वो सारी सारी यहाँ पे शो हो रही है, जैसे कि यूजर स्टेटस मॉडल मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड, वो सब शो होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, केवल एक फाइल जनरेट हुई है, कि अभी डाटाबेस में हमारा डाटा कुछ स्टोर नहीं हुआ है यहाँ पे, बस अभी पता चला है जाएंगे वो कि हमें ये टेबल्स क्रिएट करनी है, और उसका एक वो इंस्टेंस क्रिएट करके सेव कर लेगा। तो जैसे ही होएगा अब आपको कमांड लिखना पड़ेगा एक और, जो कि है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। जैसे ही आप दबाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, यहाँ पे वो कुछ एग्जीक्यूट करेगा कमांड्स को, और सारी सारी जो टेबल्स हैं, और जेंगो में ना कुछ डिफॉल्ट टेबल्स भी होती हैं जो कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा बाद में कभी। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है टेबल सारी की सारी उसने, और यहाँ पे जो डीबी डॉट एसक्यूएल सी फाइल है यहाँ पे सारा सारा डाटा हमारा स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि असल में हमारा डाटा दिखता कैसा है,
और वो हम देखेंगे जेंगो के एडमिन पैनल में जाकर, यानी कि जेंगो का एडमिन पैनल जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जेंगो। तो हम देखते हैं उसको, एक्सप्लोर करते हैं पूरा कैसे क्या होता है वो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा यूजर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि उस इंटरफेस को एक्सेस कर सकता है। आप सबको तो अलाउ करोगी नहीं ना कि वो सब उसको एक्सेस कर लें, जो कि एडमिन होगा यानी कि जो वेबसाइट बना रहा है या फिर जो उसका मालिक है, केवल वो उसको एक्सेस कर पाएगा और देख पाएगा सारा डाटा हमारा जो स्टोर है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं यहां पर हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। हालांकि आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि क्रिएट सुपर यूजर क्या है और यूजर मॉडल क्या है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं ऐसी टॉपिक के ऊपर, यानी कि सुपर यूजर, यूजर मॉडल और जेंगो का एडमिन पैनल, और उसको मैं पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। यहाँ पे बस मैं आपको मॉडल्स दिखा रहा हूँ कि जब मॉडल्स क्रिएट हो जाते हैं तो वो दिखते कैसे आखिरकार। जैसे ही मैं मैनेजर पीवाई क्रिएट सुपर यूजर करूंगा तो वो पूछेगा मुझसे यूजर नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेंगो का जो डिफॉल्ट यूजर मॉडल होता है उसके अंदर यूजर नेम फील्ड होती है, जिसकी मदद से वो ऑथेंटिकेट करता है आपको और लॉग इन करता है। तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ प्रियांशु डॉट गुप्ता, उसके बाद आप ईमेल एड्रेस कर सकते हो चूज। मैं यहाँ पे खैर कुछ चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे एंटर दबा रहा हूँ। पासवर्ड मैं चूज करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 एंटर, वो शो नहीं करेगा यहाँ पे आपको, पर वो हो रहा है असल में 1 2 3 4, और ये अभी मुझे वार्निंग दे रहा है, पर यहाँ पे मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, मैं भाई दबाकर एंटर करूंगा। जैसे ही मेरा सुपर यूजर क्रिएट हो जाएगा तो क्या करेंगे अब हम, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। इससे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है वो जेंगो रन करेगा, यानी कि डेवलपमेंट मोड में रन होगा आपका सर्वर, वो जेंगो हैंडल करेगा अभी, पर आप इसको प्रोडक्शन लेवल में यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। जैसे इसको एंटर दबाएंगे यहाँ पर तो हमारा सर्वर जो है रन हो जाएगा इस लिंक पर, यानी कि लोकल होस्ट पे रन हो जाएगा। तो जाके उसको देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 127 और लोकल होस्ट को चालू करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा चालू हो चुका है। और अगर यहाँ पे हम स्लैश एडमिन दबाकर खोलेंगे तो हमारा एक यूजर इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हम अपना यूजर नेम लिखेंगे जो कि हमने भरा था अभी, प्रियांशु गुप्ता, फिर हम पासवर्ड लिखेंगे अपना यहाँ पे 1 2 3 4, एंटर दबाएंगे और हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ की आप जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ मॉडल्स क्रिएट हो जाएंगे जो कि हमने क्रिएट किए थे, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट मॉडल्स हैं जो कि जेंगो डिफॉल्ट ही प्रोवाइड करता है, यानी कि ग्रुप्स और यूजर्स, और इन पे आप बिल्कुल फोकस मत करना अभी, क्योंकि मैं ग्रुप्स, परमिशंस और यूजर्स के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट, जो कि आने वाली है बहुत जल्द ही। अभी आप फोकस करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के एप्स, फर्स्ट यहाँ पे हम फोकस करते हैं फर्स्ट स्टेप के जो मॉडल्स हैं जो कि हमने क्रिएट किए थे अभी, और ताकि आपके मॉडल्स हमारे जीयूआई में शो हो उसके लिए आपको कुछ लिखना पड़ता है, वो दिखाता हूँ क्या लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जब आप जाओगे अपने प्रोजेक्ट फाइल में, यहाँ पे हमारी एक ऐप के अंदर एडमिन नाम की फाइल है, एडमिन डॉट पीवाई नाम की फाइल है। इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे जो जो हमने मॉडल्स क्रिएट किए थे, जैसे कि कार्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड कार्ट, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ऑर्डर भी किया था ऑर्डर, और यहाँ पे हम उसको रजिस्टर करेंगे, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर ब्रैकेट में ऑर्डर, और उसे सेव दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, जो जो हम रजिस्टर करेंगे एडमिन के अंदर, वो चीजें हमारी एडमिन पैनल में शो होंगी। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारी ऑर्डर्स टेबल भी आ गई। अब आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये मैं यहाँ पे जाऊंगा तो हमारा देख सकते हो, यहाँ पर आप होम पर यूजर में जाऊंगा तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी रिकॉर्ड बना हुआ है जो कि हमने क्रिएट सुपर यूजर किया था। यहाँ पे एक्टिव स्टाफ यूजर, सुपर यूजर स्टेटस, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में। यहाँ पे हमारा पासवर्ड जो स्टोर हुआ है ये हैशिंग एल्गोरिथम लगाता है, एक यानी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम लगाता है जेंगो, जिससे हमारे वो पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर देता है, और ताकि कोई भी अगर डाटाबेस हमारा लीक हो जाए तो कोई उसको रिट्रीव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एक एल्गोरिथम यूज करता है यहाँ पर। इसको छोड़ते हैं, अभी यहाँ पर होम पे जाते हैं और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट कार्ड क्रिएट करते हैं अपनी, यहाँ पे हम ऐड कार्ड करते हैं, और यहाँ पे आप यूजर चूज करो, जैसे प्रियांशु गुप्ता जो कि मैंने सुपर यूजर क्रिएट किया था, उसे क्लिक करते हैं, और क्रिएटेड ऑन यहाँ पे डेट टाइम फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगा, टुडे यहाँ पे करते हैं और नाउ करते हैं। यहाँ पे आप हालांकि डेट चूज कर सकते हो, यहाँ पे सेव दबाते हैं तो हमारा सेव हो चुका है रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे हमारी डाटाबेस में एंट्री हो चुकी है, और ऑटोमेटिकली हमें कोई कोई कमांड लिखना पड़ा। और डाटाबेस में एंट्री करने के लिए, यानी कि रिकॉर्ड बनाने के लिए और क्वेरीज परफॉर्म करने के लिए, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसका जेंगो का डिफॉल्ट एडमिन पैनल को चूज करो, या फिर आप जेंगो शेल को यूज करो, या फिर आप खुद से कोड लिखकर पाइथन में उससे करो। तो अभी मैं यहाँ पे केवल फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहा हूँ और वो दिखा रहा हूँ आपको, दूसरे जो और जो बचे हुए ऑप्शन हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा पक्का। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है कार्ट ऑब्जेक्ट वन, वन मतलब यहाँ पे जो आईडी है हमारी उसके नाम से स्टोर हो चुका है। फिर हम जमाएंगे फर्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद हम जाएंगे प्रोडक्शन कार्ड्स में, यहाँ पे हम अपना नया प्रोडक्ट एंड कार्ड बनाते हैं, पर उससे पहले आपको एक प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा जो कि हम प्रोडक्ट टेबल में जाके बनाएंगे। यहाँ पे एड प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हम चूज करते हैं टॉय कार, उसका प्राइस रखते हैं हम 500, सेव करते हैं।
यहाँ पे सेव हो गया, हमारे डाटाबेस में एंट्री हो गई। और यहाँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट के अंदर टॉय कार नाम से इंस्टेंस शो हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है वो मैं दिखाता हूँ क्यों हो रहा है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स में गए और यहाँ पे हमने मॉडल्स में गए, तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमने यहाँ पे लिखा हुआ था डिफाइन एसटीआर सेल्फ और रिटर्न सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नेम। इसका मतलब है जहां पे भी ये हमारा इंस्टेंस क्रिएट होएगा यहाँ पे शो होएगा तो वो प्रोडक्ट नाम से शो होएगा। तो वो यहाँ पर हुआ है, हमें प्रोडक्ट नेम से शो हुआ है। वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस यहाँ पे से एडिट कर सकते हो यहाँ पर, या डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे अपने ऐप के अंदर और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट एंड कार्ड्स में। यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्लस दबाकर, कार्ड चूज करते हैं अपनी, कार्ड ऑब्जेक्ट वन, प्रोडक्ट टॉय कार, और क्वांटिटी रखते हैं 5। और इसे हम करते हैं सेव। सेव कर दिया और फर्स्ट स्टेप में जाते हैं, यहाँ पर ऑर्डर्स में जाएंगे। और यहाँ पे अगर हमें ऐड ऑर्डर करना है, यहाँ पे यूजर क्रिएट करते हैं प्रियांशु गुप्ता, और स्टेटस जो भी आपको रखना है स्टेटस कर सकते हो चूज। और यहाँ पे हमने कर दिया सेव। हालांकि ये केवल एक डमी मॉडल क्रिएट किया है मैंने, असली में ऐसा नहीं होगा। और फिर से हम जाएंगे प्रोडक्ट इन कार्ड्स में, आपको मेरे को दिखाना है उस कंपोजिट की का इम्प्लीमेंटेशन जो कि हमने क्रिएट की थी, यानी कि प्रोडक्ट और जो हमारा कार्ड है उसका कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हम एक और क्रिएट करते हैं इंस्टेंस को, और यहाँ पे चूज करते हैं कार्ड, और प्रोडक्ट भी वही चूज करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे दोनों चीजें सेम है, जो कि हम यानी कि जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था ना इससे पहले, उसमें भी हमने यही कार्ड चूज करी थी और यही प्रोडक्ट चूज किया था। और उसी टेबल में हम एक और इंस्टेंस बना रहे हैं जिसमें भी हमने कार्ड सेम रखी है और प्रोडक्ट सेम रखा है। और यहाँ पे रखते हैं 10 और यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे ही हमें एक एरर मिल जाएगा, प्रोडक्ट इन कार्ड विद दिस कार्ड एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर कोड में लिखा हुआ था कि क्लास मेटा यूनिक टुगेदर कार्ड और प्रोडक्ट, यानी कि ये जो दो हमारी एट्रीब्यूट्स हैं इसका कॉम्बिनेशन से केवल यूनिक की बननी चाहिए। यानी कि जो तो मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होना चाहिए हमेशा। पर यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस है जो हमने क्रिएट किया सेकंड वाला, उसमें वो चीज सेम हो गई। यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस और सेकंड इंस्टेंस में दोनों चीजें सेम हो गई, और जिसकी वजह से हमें एरर मिल गया। तो इसके थ्रू हमने कंपोजिट की भी क्रिएट करना सीख लिया है यहाँ पर। तो यार इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और उसमें मैं हर एक चीज को कस्टमाइज करते हैं, कैसे जेंगो का एडमिन पैनल होता है, बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर अब तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप कर लीजिए इसको, और बुकमार्क कर लीजिए यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मास्टरिंग जेंगो नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए एकदम क्रिएटिव कंटेंट और एकदम पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाता रहूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दिस स्किल डेवलपमेंट एंड पॉइंट टू पॉइंट वीडियोज। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे यार बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ लीजिए, मैं पक्का उसे रिस्पॉन्ड करूंगा बहुत जल्दी जल्द, ये मेरी गारंटी है। और इसको सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, मैं दावा कर रहा हूँ कि आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया आपको रिग्रेट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।